ज्ञानदेव होस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल के आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की लेटेस्ट भर्ती के बारे में। तो चलिए आपको उसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी दे देता हूँ, बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन नेम है इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन, जो कि चेन्नई के अंदर बेस है। जॉब टाइप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, ये भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत आती है। जॉब नेम प्राइवेट सेक्रेटरी, इंक्वायरी ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, यूडीसी एंड टेक्निकल असिस्टेंट की इसके अंदर पोस्ट निकाली गई है। टोटल वैकेंसीज 9 है। जॉब लोकेशन चेन्नई तमिलनाडु, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग चेन्नई तमिलनाडु के अंदर होगी। पब्लिकेशन डेट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज, यानी कि ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट अनाउंस होने की तिथि 9 फरवरी 2019 है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज, यानी कि 9 फरवरी से लेकर 9 मार्च 2019 तक आप फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको वैकेंसी डिटेल बता देता हूँ। पोस्ट वाइज प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए एक पद है और इसके लिए आपको जो सैलरी दी जाएगी वो 9,300 से लेकर 34,800, साथ ही आपको 4,600 रुपये का ग्रेड पे भी दिया जाएगा। इंक्वायरी ऑफिसर के लिए भी 3 पद निकाले गए हैं और इसके लिए भी आपको सैलरी 9,300 से लेकर 34,800 और साथ ही आपको 4,200 रुपये का ग्रेड पे भी दिया जाएगा। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एक पद है और सैलरी आपको यही वाली दी जाएगी। और स्टेनोग्राफर के लिए 3 पद है और सैलरी इसमें भी आपको यही दी जाएगी। अपर डिवीजन क्लर्क यानी कि यूडीसी के लिए एक पद निकाला गया है और उसके लिए आपको सैलरी 5,200 से लेकर 20,200, साथ ही आपको 2,400 रुपये का ग्रेड पे भी दिया जाएगा। तो जो आपकी कुल मिला करके 9 वैकेंसीज हो जाती है। अब मैं आपको इस भर्ती का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। सबसे पहले आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि इन पोस्ट प्रावधान करने के लिए आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए। एप्लीकेंट्स मस्ट होल्डिंग एनालोगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, यानी कि आपको जो पोस्ट है वो रेगुलर बेसिस पर होल्ड करके रखनी है। और क्वालिफिकेशन की जानकारी मैं आपको बता दूं, आपके पास 10वीं 12वीं ग्रेजुएट या डिप्लोमा है तो आप इन पोस्ट पर आवेदन कर सकते हो। एज लिमिट, दोस्तों मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 56 साल है, यानी कि जिन आवेदकों की उम्र 18 साल से लेकर 56 ईयर के बीच में है वो लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, दोस्तों आपका सिलेक्शन इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑफलाइन रहेगा, यानी कि आप अपना फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से भेज पाओगे, लेकिन आप अपना फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड कर सकते हो। एड्रेस, यानी कि आपको किस एड्रेस पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। एलिजिबल एस्पिरेंट शुड सेंड द फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म टू द फॉलोइंग एड्रेस, आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर करके इस एड्रेस पर भेज देना है, जो कि है द सेक्रेटरी इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन एडिशनल बेंच सतगुरु कॉम्प्लेक्स 640 अन्ना सलाई नंदनम चेन्नई 6035। आपको इस एड्रेस पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेज देना है। अब मैं आपको बताता हूँ आवेदन करने का तरीका। दोस्तों, आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद आपको इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको उसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। और रीड करने के बाद आपको उसमें नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है और उसको भर करके साथ जो उसमें डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए आपको बोले हैं वो डॉक्यूमेंट आपको अटैच कर देना है। और डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आपने जो डिटेल्स भरी है वो एक बार आपको अच्छे से चेक कर लेनी है कि कहीं पर आपके द्वारा कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। और लास्टली बस आपको अपना फॉर्म इस एड्रेस पर भेज देना है जो कि मैंने आपको अभी बताया है। और मैं ये एड्रेस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आपको इस एड्रेस को नोट करने में कोई परेशानी ना हो। और तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस वीडियो के अंदर भी दिखा देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन एडिशनल बेंच चेन्नई की तरफ से अनाउंस हुआ है। आप यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल देख सकते हो और साथ ही उनके सामने यहाँ पर सैलरी के बारे में भी जानकारी दी गई है और क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, यानी कि जो आपकी पोस्ट है वो किस कैटेगरी के अंदर आती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ग्रुप बी गैजेटेड, ग्रुप बी नॉन गैजेटेड, तो इस प्रकार की आपकी क्लासिफिकेशन है। और मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि आपका जो अपॉइंटमेंट का तरीका है वो क्या रहेगा। डेप्यूटेशन आपको यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस पोस्ट के लिए आपसे कौन सी योग्यता, यानी कि पे बैंड आपको दिया जाएगा। यहाँ पर दिया गया है प्राइवेट सेक्रेटरी, इंक्वायरी ऑफिसर,
टेक्निकल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, आप यहाँ पर सभी जानकारी देख सकते हो। तो दोस्तों ये इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है जो कि इनकम टैक्स की तरफ से अनाउंस हुआ है, और यहाँ पर आपको परफॉर्मा दिया गया है यानी कि किस पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है। ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है और आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म जो एड्रेस मैंने आपको बताया है उस एड्रेस पर भेज देना है। दोस्तों जो जानकारी मैंने आपको बताई है, अगर आपको इस जानकारी में कहीं पर कोई प्रॉब्लम लग रही हो या आपको कोई जानकारी समझ में ना आई हो तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपको कि जल्द से जल्द जवाब दे सकूं। और दोस्तों इस वीडियो को लास्ट में आपसे ये कहना चाहूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें।